साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। किस प्रकार ये देश की सरकार किसानों के ऊपर इतना प्रहार कर रही है। अभी अभी मेरे संज्ञान के अंदर आया है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड पे 3% की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड के 3 लाख रुपए तक के क्रेडिट कार्ड पे 7% का इंटरेस्ट चार्ज बैक करता था और उसमें 3% की सब्सिडी सरकार देती थी, यानी कि किसान को 4% पड़ता। अभी सरकार ने आदेश निकाला कि वो 3% की सब्सिडी जो 2020-21 के अंदर दे दी गई, 21-22 के अंदर दे दी गई, अब उसको रिकवर करें और बैंकों ने इसको रिकवर करना शुरू कर दिया है। अलग अलग एलिगेशन लगा के किसान के ऊपर, मेरे पास एक बैंक का डाटा है, 2 जिलों का, पंजाब नेशनल बैंक, रोहतक और झज्जर जिले का मेरे पास डाटा है। इसके अंदर 2 जिलों के अंदर कुल 5518 किसानों के खाते में से 2,46,63,780 रुपए रिकवर किए जा रहे हैं। इस प्रकार कितने बैंक हैं और हिंदुस्तान के अंदर कितने जिले ये जो अरबों रुपए किसान से रिकवर किए जाएंगे, कहे अडानी के कर्जे को छुपाने के लिए वो पैसे मर गए उनके रिकवरी के अंदर लगाए जाएंगे, या किसानों का ऐसा दुखदाई ये फैसला क्यों दिया जा रहा है। किसान पहले ही फसल खराब होने से परेशान है, किसान आगे बढ़ नहीं पा रहा है। आज किसान को बगैर बताए उसके खाते में से पैसे कहीं डेबिट किए जा रहे हैं, उसके खाते में से पैसे निकाले जा रहे हैं। ये सारे के सारे नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सभी बैंक इस तरह की कार्रवाई के अंदर लग गए हैं। मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, किसान को जो सब्सिडी दी गई थी अब आप उसको वापस रिकवर ना करें। किसान के ऊपर महंगा ब्याज लगाना ठीक नहीं है। भविष्य के लिए आप जो मर्जी फैसला लें, परंतु 2 साल पहले जो सुविधा दे दी गई आज उसको विड्रॉ कर देंगे आप और उसके रिकवरी करेंगे, ये न्यायचित नहीं। चयन सर, सर जिस तरीके से बीजेपी किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, 2024 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, और जिस तरीके से आप डाटा दिखा रहे हैं सर, किस तरीके से देखते हैं सर? किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई, कर्ज बढ़ गया है। मैं तो हरियाणा का रिकॉर्ड मैं देखता हूँ, प्रति किसान कर्ज बढ़ गया है, आय नहीं बढ़ी। और इस प्रकार से अगर किसान के ऊपर ये रिकवरी की जाएगी और 4% की जगह 7% ब्याज लिया जाएगा और बैक डेट से रिकवरी की जाएगी, ये मैंने इतिहास में पहले कभी नहीं देखा, ये पहली बार इस देश में किसानों के साथ हो रहा है। इस बारे में सर हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्योंकि हरियाणा का मुद्दा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री से आप बात करेंगे, कोई पत्र वगैरह लिखेंगे किसानों के हित के लिए? मैं देश के वित्त मंत्री को भी लिखूंगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा, और ये मुद्दा केवल हरियाणा का नहीं है, पूरे देश का है। ये पूरे देश के अंदर किसानों के साथ जोर जबरदस्ती का एक नया मामला सामने आया। ठीक है, थैंक यू सर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।